अभी अभी ये मैंने अपनी ईद की सिवाइयाँ खाई हैं और यहाँ से ही मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अपना ईद का हमारा व्लॉग सुबह हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मेरी मेहंदी का कलर ऐसा थोड़ा रेड रेड था, अभी तो ये डार्क होता जा रहा है। और ना भी खूबसूरत व्लॉग के साथ आप सबको सलाम हो गया। वाला जो रोज है ना ऑरेंज कलर का, ये आज ही नया फूल खिला है। मैं थोड़ी देर जा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपको मिलूंगी अपनी ईद की तैयारियों के साथ। अब मेहंदी का कलर दिखाओ मामा, फिर आपसे बात नहीं कर रही। फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मेहंदी नहीं दिखा रही ना। बाकी ये रही सुबह सुबह हमारी मीठे में सिवाया, कुछ तो खा भी लेंगे। बाकी ये रहे हमारे कोफ्ते की तैयारी हो गई, कोफ्ते बनाने। अभी फिलहाल कौशल की यहाँ पर चाय बन रही है सौंफ वाली, जो डॉक्टर ने उसे बोली थी सौंफ और हल्की पत्ती के साथ। इस साइड पर पानी गर्म हो रहा है, बच्चों के लिए गीजर ऑन नहीं था तो उनको नहलाने के लिए यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया। इस साइड पर ये भी सारे कोफ्तों की तैयारी है। हल्का को थोड़ा सा बस पकाया टमाटर प्याज और सारे मसाले ना, हल्का से इनको पका कर और फिर इसमें ग्राइंड कर लिए। बाकी इस साइड पर बैल्कनी में हमारे देखो बेबी के कपड़े सूख रहे हैं, और देखो कुछ यहाँ पर डले हुए हैं तो ये सूख रहे हैं अभी। बाकी जो है ना मेरी मेहंदी और मेरे नेल्स की वजह से सारा काम मैं रमजान को सिखा रही हूँ, हर एक चीज मसाले मिक्स करना सब कुछ ये साथ साथ ग्राइंड करके दे रहा है। और अभी नहा धो के फ्रेश होकर आ गई है और साथ में अभी निकालने लगी हूँ ये मैं इनके सूट, ईद का सूट इन्होंने अभी तक नहीं देखा, बस मैं लेकर आई हूँ और मैंने रखा हुआ था ईद का सूट। और ये मैंने लिया है मारिया बी से। आपका पहला सूट है जो आप मारिया बी का पहन रही हो, खोलो। आयत का, ये आयत का है, अच्छा है ना आपकी ड्रेस ईद की? ये पूरा आ जाएगा। सुबह सुबह ऐसी कड़क धूप निकली हुई थी, अभी देखे मौसम कितना प्यारा हो गया ना, ऐसे काले काले बादल भी हो गए। चलो ये है कि मौसम तो ठंडा हो गया लेकिन अभी हम बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, बारिश भी शुरू हो गई है। देखो आज हम कहीं नहीं जाएंगे, बस मौसम को एंजॉय करेंगे घर पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। यहाँ पर देखो ईद के दिन पे भी देखो इतनी यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। बस बच्चे अभी कब से नहा धो के फ्रेश हो गए, मैं अभी नहा के फ्रेश होकर आ रही हूँ। ये देखो यहाँ से बारिश। सोचा था कि नए कपड़े वपड़े पहनकर बाहर जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे और कुछ हम अपनी रील्स शॉर्ट बनाएंगे ना बाहर ऐसा रोड पे, तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। अब मैं भी जल्दी जल्दी बच्चों की पहले तैयारी करा लेती हूँ, मेरी खैर है एंड में मैं तैयार हो जाऊंगी, बस इनकी तैयारी पूरी हो जाए, मेरा व्लॉग लेट हो गया था। ओ हमने सोचा था यहाँ पर हमने सोचा यहाँ पर अपनी बहुत सारी रील बनाएंगे। ये देखो वो बारिश भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। आयत आयत ईद का दिन है, आप क्या कर रही हो? आज के दिन भी आप 1-2 लिखोगी? ईद अच्छा बारिश हो रही है, बारिश बना दी, बारिश हो रही है, आपने यहाँ पे बारिश बना दी, बादल भी बनाए ऊपर से। और तैयारी करो और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा बिल्कुल सामने सामने सूट लगा हुआ है, मैंने पूरा कपड़ा खुद ही लेकर स्टिच करवाया, इसकी लेस, इसका सारा ये डिजाइन, ये सारा कपड़ा अलग से। अभी मैं अंदर चलकर आपको दिखाती हूँ, इसको फ्रॉक बनवाया, आप चलकर दिखाती हूँ। और इसी के साथ ना मैंने अपने बच्चों के सूट मैच किए। ये मेरा फ्रॉक जो कि मैंने अपने टेलर से सिलवाया कपड़ा लेकर इस दफा, वरना मैं हमेशा ना अपने स्टिच लेती हूँ, इस दफा मेरा दिल था कि मैं लेकर खुद ही डिजाइन करवाऊं। और ये वाले कलर मैंने कभी ईद पे पहना नहीं है, पहली बार ही मैंने ये कलर लिया अपना ईद के सूट का। इस तरीके का सादा कपड़ा था जिसपे ना ये मुकेश का काम हुआ हुआ है, जैसा शीशे लग रहे हैं लेकिन अंदर ना ये वो दूसरा लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कनारी बोलते हैं। इस तरीके का ये वाला ग्रीन कपड़ा ये मैंने अलग से लिया, लेस मैंने इसकी अलग से ली है, और बाकी ये जो यहाँ पर इसके स्लीव्स पे लगा हुआ है ये कपड़ा अलग से लिए, नीचे लेस अलग से लिए और बीच में ये ज्वाइनिंग लेस अलग से लिए। तो इस तरीके से करके मैंने ये नीचे का बॉर्डर बनाया, जैसे स्लीव्स पे बनाया वैसे ही नीचे का बॉर्डर भी बनाया। मुझे ना इसी बिल्कुल सेम कलर में अपने बच्चों के कपड़े चाहिए थे, तो मैं जैसे मारिया बी पे गई ना वहाँ बिल्कुल सामने सामने ना हरे कलर के ये कपड़े थे, और देखो नेल कलर भी मैं साथ का इसी का ही ढूंढ रही थी। हेलो ऐसा ना दुपट्टा तो काट दो, दुपट्टा बिल्कुल नहीं कटा, यहाँ से काटती हुई देख कर रहा हूँ कौन कौन तैयार हुआ है, मुन्ना तैयार हुआ है नहीं हुआ, कोई ईद या बाहर बांटी जा रही है नहीं, अनिता अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं अभी जाऊंगी। आज बच्चे अपने ले आना, तैयार हुआ है माशाल्लाह, ईद का नया जोड़ा पहना हुआ है, रो रहा है, हाँ पूरा पूरा कौसर बनाया, पूरा पूरा इसकी नाप पे आ गया ना माशाल्लाह। व्हाइट सूट पहली बार पहना, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है सूट इस पे। से मेरे हस्बैंड की तैयारी तो देखो क्या तैयारी की हुई है, नए जूते नए सूट ये सब नहीं पहने जाते साथ में ना, वो ईदी भी दी जाती, ईदी कौन देगा, ईदी माकावा, ईद मुबारक, ये ईद मुबारक,
तब मिलने आते हैं जब पैसे चाहिए होते हैं ईद के। हाँ, जो कपड़े पहन लिए उसको ईद, किसी और ने नहीं। नहीं नहीं, जो तैयार होगा अच्छे से, आप बाल बनाओ उसको ईद मिलेगी। तो आ जाओ आयत, आयत तैयबा की रील बनाते हैं, आ जाओ। ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना रील को, वो जो एकदम ऐसे सीधे सादे कपड़ों में खड़े होते हैं, फिर एकदम नए कपड़े पहन लेते हैं। जल्दी से जल्दी और रील बनाते हैं, आयत तैयबा की रील बनाते हैं, फिर हम ईदी लेंगे पापा से। अभी आप अनीता को दे रही थी, अनीता पूरा इस्त्री कर देती, ये नहीं होता, ये डिजाइन बहुत प्यारा है। आयत क्यों नहीं बाल बनवाएगा? क्या नहीं है खेलने के लिए? मैं बास्केट नहीं कर। इतनी मुश्किल से इन्होंने वीडियो बनवाई, सबसे ज्यादा इसने परेशान किए। और देखो बस ये दुपट्टा वहीं फेंक दिया। हाँ चलो, आपका सूट पहना, चलो जल्दी से, अभी देखना मैजिक होगा। आयत ये वाला सूट पहनकर एकदम से आएगी, है ना, सब बच्चे आपकी वीडियोस देखेंगे। आपको ये वाला नेल कलर पसंद है? ये वाला लगाऊं? ये वाला पिंक वाला। यहाँ पर हमारी आयत रेडी हो गई, बल्कि कपड़े चेंज किए, अभी इसको तैयारियां करानी है। और बाकी ये कुछ बैंगल्स, आयत ये देखो, ये पहनाऊं आपको डॉल वाला? प्यारा तो है। तो जल्दी जल्दी से ना अपनी तैयारी करो, चूड़ियां पहनो, बस चूड़ियां पहन लो। एक मिनट निकालने तो दो। आपकी तो सूट से भी मैच हो गई, ये देखो आंटी नजमा ने आपके लिए चूड़ियां भेजी थी। मम्मा पहना रही है ना, फिर आएंगी। ये देखो ये भी है आयत की, दिखाओ जल्दी से, दिखाओ। मैं पहन, गुड गर्ल, पहन लो प्लीज प्लीज प्लीज। फिर हम पिज्जा खाने चलेंगे बाहर। ये वाली चूड़ियां पहनाई हैं ये, और ये इसको नेकलेस भी मुश्किल से बना के पहना। आज इसका ना मूड पता नहीं क्या हुआ। हर ईद पे जो है ना ऐसा होता है कि कोई ना कोई बच्चा जो है ना मुझसे नाराज होता है, और हर ईद पे या मुस्तफ़ा करता है या तैयबा करती है। इस दफा मुस्तफ़ा के कपड़े सब कुछ ठीक है, और अब जो है ना इस छोटी ने मुझे तंग किया हुआ है दोनों को। वाओ माशाल्लाह, चल के चल के, माशाल्लाह मेरी रानी इतनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर देखो तैयबा कितनी प्यारी लग रही है, अपनी तैयारी तो दिखाओ। ये माशाल्लाह से तैयार होकर आ गई है, मेकअप किए, चूड़ियां पहनी है, जूते न्यू पहने, दिखाओ नए जूते। चलो नीचे पापा से ईदी लेने चलते हैं। आओ मुस्तफ़ा, सब ईदी लेने जा रहे हैं, आप सबसे पहले नीचे पहुंची हुई। चलो चलो चलो, कहाँ चले गए पापा? आपके पापा तो नीचे है नहीं, कहाँ चले गए? कौ सर यहाँ से तैयार हुई है या नहीं हुई? तो चलो अंदर चलो, बेबी को चलो मिलने के लिए, भाग के जाओ। इतनी बात, दोनों भाग के जाओ। तक बोलते हैं ईद मुबारक, कौ सर ईद मुबारक। कितना प्यारा सूट लग रहा है ये, तैयार हो गई जी। ये देखो तैयारियां करके सो कैसे रहे, रोके के पापा कहाँ चले गए, बता के गए? पता नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए थे? पैसे खुले कराने? एटीएम से मैंने छान बीन के निकाले हैं। मिल गए पैसे? एक एटीएम से निकाले हैं, नए नोट आते ही नहीं आते। नए नोट मिले? नए नोट निकले हैं। न्यू नोट ले। ईद मुबारक रमजान मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। देखो आपके पापा के पास ना नोटों की गड्डी आ गई है। आ गई आ गई आ गई। भाग के आ जाओ, नोबिता भी आया हुआ ईद लेने के लिए। ये तो अब बबल लेकर आई थी, ये बबल है, टूथपेस्ट नहीं है। आज खैर मुबारक, खैर मुबारक। वो क्या होते हैं? ईदी चाहिए। टेन इसको चाहिए, 10 नोट चाहिए, 100 बनते हैं। 10 नोट, हाँ 10 नोट दे दो इसको। 20, 30, 40, नहीं नहीं अभी बस 10 नोट आपने पहले बोल दिए थे। 5 कितने बने? 80 सही। ओ तैयबा ने सबसे ज्यादा ईदी ली हुई, ये इतने सारे नोट लिए। हाँ दिखाओ, सबसे कम नहीं है, बहुत सारे हैं तैयबा, ये देखो। ईद लेने के लिए हक कैसे कर रहे हैं? ईदी मिल रहे हैं, ईद मुबारक तो बोला नहीं है। ईद मुबारक, ईद मुबारक को नोट बता रही है, नोट बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा। 3, 4, 5 पांच नोट चाहिए। ईद मुबारक पापा। कितने चाहिए? 5। हाँ 5 नोट चाहिए इसको। 4, 5, 9 चलो आए तो आपको एक और 5 नोट भी कहती है। जितने बच्चे हैं मुझे चले ये लें। बस अब हैप्पी हो, आपने बहुत सारी ईदी ले ली। बस अभी देखो और कह रही 5 नोट और चाहिए, बहुत हो गया है तो आपने बहुत सारे ले लिए। इतनी सारी ईदियां दोनों बहनें लेकर बैठी हैं, अभी आ गया आपका भाई। ईद मुबारक पापा। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ढेर सारी ईद मुबारक। बस उसने 5 नोट लिए, 5 10 नोट इसने लिए, और 15 नोट आप ले लो बस। बस
25 नोट 25 वो ये अभी आपका छोटा भाई भी आ रहा है ईदी लेने। पहले ईदी लेने कौशर भी तैयार होकर आ गई है। मुबारक आपका छोटा भाई आ गया जो ईदी आपने ली हुई है ना अभी इसी को दो। सारे अपनी ईदी देखो दे रहे हैं। तैयबा आप भी ईदी आपको देने पड़ेगी अपने छोटे भाई को। बड़े जो है ना छोटों को देते हैं वो भी सारी अपनी रख रही है। आयत का भी आयत अपने भाई को ही दी दो जल्दी आओ भाग क्यारी आओ आओ अपने भाई को ही दी दो। ये लो छोटा भाई आ गया उसको ही दी दो। तैयबा ने दिए सब ने दिए। ये देखो इसने भी सारी अपनी ईदी रख दी। अपने सारे पैसे दे दिए अपने भाई को। हाँ देखो दे के जा रही है। बहुत सारे लोग खड़े हैं। रमजान है कौसर है और इस साइड से अनीता है। ईदियां लेने वाले बहुत सारे हैं। देखो माशाल्लाह से हमारे बेबी ने इतनी सारी ईदी जमा कर ली। ईदी लेकर वापस आ गया मुन्ना। मेरी तैयारी नहीं है मैं उन्हीं कपड़ों के साथ घूम रही हूँ। ये सिवाइयां जो है ना अलग से निकाल के रख दी। थोड़ी तो वैसे सबने खाई है लेकिन ये मैंने ना टेबल पे रखने के लिए ये अलग से रखी है। और इसके अलावा ये रहा हमारा आज का सालन। बस जल्दी जल्दी में बनाया और सबने साथ साथ खाना शुरू कर दिया। जब मैं ऊपर बच्चों की रील बना रही थी पैसे को देख रहे हैं। आपकी फर्स्ट ईदी ये लो पकड़ो ये लो आप ये तो आपके हैं। नहीं उसको दे रही है तो सबकी तैयारी देख ली। अभी आप मेरी तैयारी देखे ये मैंने लिए थे ही ली थी इस वजह से क्योंकि मेरा ये फ्रॉक था काफी लंबा। और बाकी देखो इस साइड पर ये रही मेरी तैयारी है। ये मैंने बैंगल जिसमें कुछ मैच की है अपनी और साथ में ये देखो ये मेरी इयर रिंग्स। मेहंदी कितना प्यारी लग रही है ना और साथ जब नेल कलर ये ग्रीन लग जाएगा ना तब और ज्यादा प्यारी लगेगी। देखो मेरे सूट का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। इस दफा मैंने सोच लिया था कि मैं ये हरा कलर ही पहनूंगी क्योंकि मैंने कभी भी ईद पे ये वाला कलर नहीं पहना। मुझसे ने मैचिंग नहीं की मैंने अपनी बेटियों के अपने साथ मैचिंग की। सोच लिया कि मैं हमेशा जो है ना अपने कपड़े खुद ही लेकर स्टिच कराया करूँ। ना महंगे महंगे ब्रांड से भी लेती हूँ आपको मर्जी का कलर भी उसमें नहीं मिलता। आप मर्जी के कलर लो कपड़ा लो और उस पर देखो ये शीशे की लेस मैंने लगवाई है ना तो इसके साथ मैचिंग हो गया। और स्लीव्स पे भी देखो सारी मैंने ना अलग अलग लेसें लगवाई तो कैसा मैचिंग में प्यारा लग रहा है। और ये रहा इसके साथ का दुपट्टा और इस तरीके से दुपट्टा भी मैंने साथ के इसका मैचिंग कराया। मतलब पूरा ना ये व्हाइट कलर का कपड़ा था और इसको ये वाले कलर में मैंने डाई कराया था। और देखो ये इयर रिंग्स भी इसके साथ मैच हो रही है ना ये अच्छी लगेंगी इसके साथ। मेरा मेकअप हो चुका है अब मैं चूड़ियां पहन लेती हूँ। ये देखो अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक सेट क्यों लिया इतना प्यारा है। देखो अभी एक ही सेट है इसी को ही पहन लेती हूँ। सोच रही हूँ कि जैसे इसमें ये मैंने गोल्डन लेस लगवाई है ना तो ये भी गोल्डन में भी मिल रही थी गोल्डन ले लेती ना चूड़ियां। लेकिन मैंने ना बस अपने दिमाग में ये रखा कि शीशों वाली लेस है तो बस शीशों के साथ ये व्हाइट सिल्वर ही मैच करूं। और ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। चलते हैं मुंह मीठा करते हैं। मुंह ही मीठा नहीं वैसे सिवैयां खाएं लेकिन इस ईद पे ना जब तक मिठाई ना खाओ तो मिठाई के बगैर ईद नहीं है। मेहंदी चूड़ियों के बगैर ईद नहीं है। पहले नीचे चले खाना खाने से पहले आप ये देखो मेरी ड्रेस। ये रही मेरी ड्रेस हील मैं नहीं पहन रही फिलहाल जब तक खाना वाना खा के फ्री हो जाएंगे। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हील पहनूंगी वरना अभी घर पे मैं हील नहीं पहन रही तो पहनूंगी। तो चलो अभी नीचे चलते हैं। हल्का सा मैंने मेकअप किया थोड़ा सा। अरे वाह आज तो पूरी रमजान की फैमिली आई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी लग रही हूँ मैं बड़ी लग रही हूँ मैं ये तो माधुरी दीक्षित लग रही है। दीक्षित आगे नाम लिया था सारी माधुरी माधुरी इनकी फेवरेट है तो कहते हैं माधुरी दीक्षित पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे वाह ये छोटा भी आया हुआ है रमजान का। ये तो छोटा रमजान आया हुआ है। अजान ईद मुबारक। ईद मुबारक वो कहती मैं आंटी से मिलूंगी। ईद पे इतनी प्यारी तैयार होकर आई हुई है। हाँ कहाँ होती हो पूरा दिन दिखती नहीं हो नजर ही नहीं आती। ईदी लेने आई हो देने आई है या लेने आई है। माधुरी दीक्षित आपकी फेवरेट है ना yes. आज मैं वैसी बन कर आई हूँ तो माधुरी दीक्षित इतनी महंगी एक्ट्रेस है तो मैं उस हिसाब से ना बहुत ज्यादा ईदी लेने वाली हूँ आज आपसे। कितने दे रहे हो कितने मुझे तो दिखाओ आज अब बच्चों सारे और हलीमा भी तो बैठी। हलीमा ईद मिलने नहीं आएगी भाग के। हलीमा तो मुझसे मिले आज। हलीमा ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक ठीक हो जी। सूट पसंद आया जी। लग भी प्यारी रही है ना हलीमा।
चलो ये लो, ये आपकी ईदी है। अब यहाँ पर आसपास तो दुकानें नहीं है, गांव में तो दुकानें थी, पास आसपास भाग पड़ते थे। छोटे भी आ जाओ जल्दी से, ईदी ले लो। मैं बैठ रही हूँ, जिस जिस को ईदी लेनी है ले लो। मुस्तफा तैयबा छोटी को ईद दे दो। चलो सबसे पहले ये रही सुहाना की ईदी। लो लो लो, क्या लिया मुस्तफा अपने लिए? मुस्तफा से डरती है। ये लो, ये रही अजान की ईदी। ईद मुबारक। ये दोनों ना, अजान और सुहाना है ना, दोनों मुस्तफा से नहीं, ये नहीं डरता, अजान नहीं डरता। ये आपसे ईदी मैं सबसे आखिर में लूंगी, और इतनी ईदी लूंगी, इतनी ईदी लूंगी, मतलब सबको ईदियां दे दूं बच्चों को पहले के बाद। ये लो रमजान, ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू। और ये लो अनीता तुम्हारी ईदी। चलो ईद मुबारक। मीठी ईद, मीठी ईद में मिठाई आ गई। ये फेवरेट है आपका, मुंह मीठा करो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो अपनी मर्जी का लड्डू आ जाओ। हलीमा हमसे भी सबर नहीं हो रहा। मैं तो आप कौन सा खाएंगे? ये ईद का त्योहार है, मुंह मीठा करो और बड़ी सी ईद ही देना। मुस्तफा आप ले लो, मैं बाद में लूंगा, सबसे बाद में। और मैं भी ये वाला ले रही हूँ, ये वाला जी। सो रही है। चलो कौशल तो अभी सो रही है, बीबी भी यहाँ पर। हम बैठे खाना खाते, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बच्चों की तैयारियां कराते कराते ना, सारा कुछ समेटते ना, भूख से बुरा हाल हो रहा। आज सारे कौशल सो गई अभी, बेबी भी सो रहा, खाला जाग रही थी, उनको मिठाई दे दी मैंने। मिसी भैया थी, ये कोफ्ते का सालन, सालन आधा तो खा चुके हैं सब। पास्ता पिलाए, पास्ता चीज़। चलो आज तो हमारी ईद हो गई है, और इसके साथ मुस्तफा ये क्या था? ये पास्ता है। हाँ पास्ता, ये भी पास्ता है, ये वाला एक हाथ की थी, एक हाथ की नहीं थी। रात सोचा था लूंगी। चलो फिर खाने हो रहे हैं, और सबसे पहले ईद मुबारक तो सारे बोले। तो आप भी बोल, हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हमारी तरफ से तमाम YouTube फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको, पूरी YouTube फैमिली को, और सबको जहाँ जहाँ पर भी आज ईद है, सबको ईद मुबारक। चलो तैयबा, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और हमारी आयत की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। सो गई है, सो गई है ना, से। मैं भी यही बोलूंगी। हाँ बोलो, नहीं यार, अलग अलग ईद मुबारक। YouTube फैमिली को, YouTube फैमिली को आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। भाई मेरी तरफ से YouTube फैमिली को रमजान मुबारक, दिल से ईद मुबारक। कहती है अल्लाह हाफिज रमजान। और इतना टेस्टी बनिया, सच सच बताना कितनी प्लेट खाई थी? दो प्लेट खाई। और अभी हमने खाना खा लिया, ईद वाले दिन ना इस खाने का तो ऐसे मतलब एक अलग ही मजा होता है। और अभी ना मैं नेल कलर यहाँ पर बैठे बैठे लगा लेती हूँ। एक तो जो है ना निकल भी गया नेल, ये वैसे मैंने लगवाए थे कि एक दो दिन ही बस चल जाए, और अभी से निकलना भी शुरू हो गया, एक निकल भी गया। वहां से जहाँ से मैंने ये नेल लगवाए थे ना, उन्होंने मुझे सब गोल्डन कलर लगा कर दिया था, उससे मेरे हाथ चुड़ैलों वाले लग रहे थे, है ना? ये कलर ग्रीन, ग्रीन है, ग्रीन बिल्कुल मेरे ड्रेस से भी मैच हो गया। कौशल आ गई, ये इंतजार कर कर के कि अभी आएगी, अभी आएगी। मैंने देखा सो रही थी, मैंने कहा जाओ मुन्ने को उठाओ, मैं तो तैयार ही नहीं, मुन्ने को तो उठाया नहीं था। सो गया था। यहाँ पर मेरा नेल कलर लग गया, और अभी इसलिए धोना शुरू कर दिया। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। ये आ गया मेरा छोटा बेबी, है मुन्ना, पूरा दिन दिखता ही नहीं है। ईद का सूट चेंज कर लिया? हाँ, ईदी भी नहीं ली, सबसे ईदियाँ तो ले ली है इसने। ईदी नहीं मिलने देते, कहते सोए रहो, बांध के सुला देते हैं मेरे मुन्ने को। बच्चा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरा छोटा बच्चा है। मम्मा कब बुलाओगे? मम्मा कब बुलाएगा? मेरी नन्ही मुन्नी, मेरे घर आई मेरी नन्ही मुन्नी। कोई नया नाम रखेंगे इसका? कोई नया नाम रखेंगे? और सब्ज़ कावा बना कर लाया हूँ, और अदरक वाला, इलायची वाला, जैसे कि दालचीनी, और वैसे भी इसमें ये जो सुबह तुमने बनाया था ना, मुझे अदरक वाला कावा दिया था, बहुत मजे का बना, वही है आज, वही बनाया। स्टूडियो सेट करके रील तो बना रही हैं। पता नहीं आपके पापा को एक्टिंग सिखा रही हूँ, पहले 5 ट्राइज प्रैक्टिस में लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और उधर जो ना, सही से घुमाना, ठीक है, सही बनाना।
बस मेरे चक्कर आ गया। सही मामा की जान, ईद मुबारक मामा का शहजादा। पते ईदी लेने के लिए जोर से हाथ करना पड़ता है मामा। वो बातें की जगह हमारे टाइम का 1 रुपए मिलता था। हाँ हाँ, हमारे टाइम पे पते मुझे कितने मिलते थे? 5 रुपए, 10 रुपए। वो आपके टाइम था। अभी 5। हमारे टाइम पे गाइस हमें 5-10 रुपए मिलते थे और हम इतना खुश होते थे 5-10 रुपए का शापर भर के चीजों का लेकर आते। तो आप हमें 500 दे रही हूँ ना, अभी और भी बच्चों को देना है। बच्चे के पैम ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये देख कैसे भाग के, बस ईद ही देनी है। कौन सर्विस होगी, उससे भी जान चढ़े। पकड़ी दफा लोगे आप लोग? ईदी मुझे कहाँ दी आप? नहीं दी आप मुझे तो दोगे? मुझे तैयार हो रही थी, मैंने कहा आज मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ तो मैं अच्छी ईदी लूंगी। मैं 500 नोट, 500 वाला नोट लूंगी। हम 5-10 रुपए में इतना सारी चीज ले आते थे, तो वो हमारा जमाना और था। अभी जमाना और है, अभी जमाना बदल गया। ये बस जितने भी हाथ में थे, अभी कौसर भी लेगी अपनी, उसको भी दो, कौसर को भी दो। देखो ये सारी ईदी दे दी है, बच्चों को भी बांटनी है, सबको देनी है। ये मुझे दो, मुझे दो तो सही, सारी ईद मुझे दो बस। सारी हमें ईदी मिल गई। चलो मैंने आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और मैंने क्या किया, सबको रूम से बाहर भेजने के बाद यहाँ पर बनाई है अपनी कुछ रील्स बनाई है। और रील के चक्कर में ये मेरे रूम की हालत तो देखो क्या हो गई है। और खैर रील्स बन तो गई है, अभी इनको एडिट भी करना है, बहुत सारा टाइम लगेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ईद जो ना बहुत अच्छी गुजरी। और आज का मेरा जो ड्रेस था ना, ये इतना ज्यादा प्यारा, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा है। बस ये हुआ कि बारिश हो गई, वरना बाहर ना जितना हरियाली है। और मैंने सोचा था जैसे मेरा ये हरे कलर का सूट है तो मैं पिंक फूलों में जाकर ना, मैंने बाहर देखे हुए भी हैं, तो मैंने सोचा था मैं वहां पर जाकर वीडियो बना कराऊंगी, बहुत प्यारी बनेगी। अभी उस झूले में नहीं बैठने वाली, वरना ये जो मेरी इतनी बड़ी सारी फ्रॉक है ना, नीचे से सारी गीली हो जाएगी। तो इसी के साथ थक गई हूँ बहुत ज्यादा, अभी कहीं बैठती हूँ। काफी देर से मैं खड़ी और सारी रील्स मैंने ऐसा खड़ी होकर बनाई, कुछ करना है, साथ साथ शॉर्ट कुछ बनाए, उनको एडिट करना है, रील्स बनाई है, वो सब एडिट करना है, बहुत टाइम लगने वाला है। अब सोच रही हूँ पहले सोऊं, नींद पूरी करूँ या एडिटिंग करूँ तो सुबह देखूंगी। चलो अभी जाकर मैं सोती हूँ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।